Good morning, all of you. My dear students, welcome back. Today, I will teach you how to write a letter. Sunny Public School has been recently opened at Panipat. All the vacancies have been demanded. How will you forward an application for teaching physics PGT? You are Sanju Manju, B26, Alok Nagar, Panipat. Yeh tha aapka question. अब मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले इसका लेआउट प्रोसीजर क्या है. तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसका एक फॉर्मेट बनाना है. फॉर्मेट के अंदर फ्रॉम डेट टू सब्जेक्ट, ये चार चीज आ जानी चाहिए. तो यहां पर फ्रॉम B26 आलोक नगर पानीपत, देन राइट डाउन डेट अलोंग विद मंथ एंड ईयर बाय गिविंग वन लाइन देयर. Then write down the school address along with principal by giving one line there. The principal, Sunny Public School, Panipat. Then after by giving one line there, subject application for teaching. Sirf application for teaching aayega, teen shabd aayenge. Iske alawa kis cheez ki teaching hai, kaun se level ke liye hai, wo yahan pe mention mein aayega. Respect sir, apni query. By giving one line here. Then start to write down from left to right. Iski shuruaat with due respect and humble submission, I want to say that. Isse karni hogi, kyunki ye letter hai. I am forwarding an application for teaching physics PGT in your school as per local news. Sentence number 1 aap likhenge. Agar is tarah ka koi letter aata hai to sentence number 1 aise likhenge. Number 2, sentence aayega, my education is MSc Physics B.Ed. from Delhi University. Iske baad apni education batayenge. Iske baad, my experience 2 years is from Delhi Public School, Sonipat. 5 years from Diwan Public School, Rohtak. And 5 years from J.S. Public School, Panipat. Iske baad, aap apni experience batayenge, ke isse pehle aapne ये टीच किया है, कहां पे कितने साल किया ये बताएंगे. नंबर 3 सेंटेंस. नंबर 4 में आई वांट टू एश्योर यू दैट व्हाटएवर द स्टूडेंट विल बी टॉट बाय मी दे विल डू बेटर देन अदर स्कूल कॉलेजेस. इसके बाद उनको आश्वस्त करेंगे कि मैं खुद क्या कर सकता हूं, मेरे पढ़ाए हुए बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कैसा नहीं होगा और मेरे उनका रिजल्ट कैसा होगा ये बताएंगे, ताकि उसको विश्वास हो जाए कि इसने कहीं ना कहीं पढ़ाया है और इसको एक्सपीरियंस है भी. इसके बाद बाय गिविंग वन लाइन गैप राइट डाउन आई विल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस इफ यू काइंडली गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू टीच इन योर स्कूल. मैं आपका बहुत कृतज्ञ रहूंगा अगर आप मुझे अपने स्कूल में पढ़ाने का एक मौका देते हैं. तो ये होगा इस पहले पैराग्राफ से एक लाइन का गैप देते हुए. इसके बाद थैंकिंग यू योर सिंसियरली. आप टीचर के लिए जा रहे हैं तो योर सिंसियरली करेंगे, और अगर आप बच्चे स्टूडेंट हो, किसी प्रिंसिपल को, किसी स्कूल के प्रिंसिपल को कोई एप्लीकेशन देनी है, कोई मार्कशीट लेने के लिए या किसी या टीसी लेने के लिए या कोई भी सर्टिफिकेट लेने के लिए, उस हालत में आप अपने आप को योर सिंसियरली ना करके योर ट्रूली करेंगे, यानी टीचर के लिए सिंसियरली होगा और स्टूडेंट के लिए ट्रूली. अब चूंकि आप टीचर के हैं, टीचर के लिए जा रहे हैं तो योर सिंसियरली होगा. इसके बाद अपना नाम, जो भी नाम आपको यहां पर है, अगर इसमें कोई नाम नहीं है, इन दैट सिचुएशन यू कैन राइट डाउन योर ओन नेम व्हाट यू हैव. जो भी आपका नाम है वो नाम आप लिख सकते हैं, लेकिन नाम होगा जरूर. ठीक है, वन मोर आल्सो आई रिपीट इट फॉर्मेट. यहाँ पर सबसे ऊपर आप फॉर्म एड्रेस लिखेंगे, लेकिन फॉर्म वर्ड नहीं आएगा. बाय गिविंग वन लाइन गैप डेट अलोंग विद नेम ऑफ मंथ एंड नेम ऑफ ईयर, लेकिन की सब नहीं आएगा. देन आफ्टर द प्रिंसिपल सनी पब्लिक स्कूल पानीपत, स्कूल का नाम अलोंग विद प्रिंसिपल बाय गिविंग वन लाइन गैप, ठीक है, टू की और टू सब नहीं आएगा. देन आफ्टर सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर टीचिंग लिखेंगे बाय गिविंग वन लाइन गैप, यहाँ पे एस यू बी आएगा.
और वो भी एसयूवी एसयूवी जेईसी की नहीं आएगा बल्कि एसयूवी आएगा देन आफ्टर रेस्पेक्ट सर ऑफ रिक्वायरम लिखने के बाद विद डू रेस्पेक्ट एंड हंबल सबमिशन आई वांट टू से दैट लिखना शुरू कर देंगे ये लाइन पक्का आप लिखेंगे क्योंकि आप सम्मान के साथ बात करना चाहते हैं वैसे भी आप किचन है किचन होने के नाते आपने ये लाइन जरूर लिखनी है और आखिर में आई विल गेट टू टू फॉर दिस एक्ट ऑफ फाइनेंस इफ यू फाइनली गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू टीच इन योर स्कूल ये भी लाइन आपने पक्का लिखनी है और थैंकिंग यू योर सिंसियरली आपका अपना नाम ये आप जरूर जरूर करेंगे इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं वो भी आपने अंडरलाइन करने हैं जैसे विद डू रेस्पेक्ट एंड हंबल सबमिशन आई वांट टू से दैट आई एम पावर्ड एन एप्लीकेशन फॉर टीचिंग टीचिंग फिजिक्स पीजीटी इसको अंडरलाइन करेंगे इन योर स्कूल एज पर लोकल न्यूज माई एजुकेशन इज एमएससी फिजिक्स बीएड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको अंडरलाइन करेंगे माई एक्सपीरियंस 2 years इज फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल सोनीपत 2 years को अंडरलाइन करेंगे 5 years फ्रॉम दीवान पब्लिक स्कूल रोहतक 5 साल को अंडरलाइन करेंगे एंड 5 years फ्रॉम जेएस पब्लिक स्कूल पानीपत और इस 5 years को भी अंडरलाइन करेंगे आई वांट टू एश्योर यू दैट व्हाट एवर द स्टूडेंट विल बी टॉट बाय मी दे विल डू बेटर देन अदर स्कूल और कॉलेजेस डू बेटर देन अदर स्कूल कॉलेजेस इनको अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं उनको अंडरलाइन करना होता है ताकि उसको पता चल जाए कि मेन बात ये है तो माय डियर स्टूडेंट ये था आपका एक लेटर लिखने का एक तरीका जिसको हम एप्लीकेशन लिखना भी बोल सकते हैं एप्लीकेशन आता है तब भी लेटर ही होता है और लेटर होता है तब भी लेटर ही होता है पर सब्जेक्ट में आप एप्लीकेशन फॉर टीचिंग करेंगे ना कि लेटर करेंगे और ये फॉर्मेट हर तरह के लेटर में इस तरह का फॉर्मेट बनाना बहुत जरूरी है बिना फॉर्मेट के आपके लेटर की कोई वैल्यू नहीं होगी एक दो नंबर बात अलग है दे कोई 10 में से 8 10 में से नहीं तो कोई देगा नहीं ठीक है फॉर्मेट हर तरह के लेटर में यही फॉर्मेट होगा सेम और इसके अलावा मैटर सबका अलग अलग हो सकता है लेकिन इस तरह के क्वेश्चन का मैटर सेम होगा जैसा कि ये है और इसमें फ्रॉम ग्रेड टू सब्जेक्ट ये आपका फॉर्मेट पक्का आ जाना चाहिए अगर आपका फॉर्मेट सही है तो बाकी को वो बाकी भी तकरीबन सही माना जाता है अगर मैटर सही है तो अगर फॉर्मेट सही नहीं है तो बाकी इतना सही नहीं माना जाएगा तो माय डियर स्टूडेंट ये था एक एप्लीकेशन या लेटर लिखने का तरीका अगर आप किसी स्कूल में किसी वैकेंसी के लिए लेटर लिख रहे हैं तो ये था आज के लिए एप्लीकेशन या लेटर लिखने का तरीका तो भाई स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद नमस्कार जय हिंद